भारत में चल रही ग्रीन क्रांति को मेक इन इंडिया के सपोर्ट से अब और ज्यादा ऊपर लाने के लिए टाटा पावर्स की तरफ से कुछ नए और बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, जहां पर इंडिया की नंबर वन रियल एस्टेट डेवलपर लोधा ग्रुप ने टाटा पावर्स के साथ एक टाई अप किया है, जिससे वो भारत के कुछ हिस्सों में अपने नए चार्जिंग स्टेशन को लगाने का काम करेंगे, जहां पर कंपनी ने किसी भी बाहरी कंपनी को सिलेक्ट न करके भारतीय मेड इन इंडिया टाटा कंपनी को चूज किया है। ये भारत में चल रही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दोनों कंपनियों के बीच किया गया है। साथ ही में टाटा ग्रुप के द्वारा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए जाएंगे, जहां पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड पुणे के बीच में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। इसी के साथ में लोधा ग्रुप का तो ये भी टारगेट है कि वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग 1% कार्बन का उत्सर्जन न कर पाए। यहाँ पर टाटा पावर्स के द्वारा बनाए जाने वाले इन सभी चार्जिंग स्टेशन में पूर्ण स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी के साथ में टाटा पावर्स एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेगी, जहां पर 24/7 आपको सेवाएं मिलती रहेंगी, आप अपनी बुकिंग करके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर पाएंगे। इसी के साथ में मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी टाटा ही करने वाली है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के पास 120 से भी अधिक शहरों में 5000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं जो टाटा के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें 600 से अधिक सार्वजनिक चार्जर्स बनाए गए हैं जो 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल व्हीकल्स को चार्ज करने में सक्षम है। तो ये कुछ बड़ा योगदान दिया जा रहा है मेक इन इंडिया के साथ हमारी टाटा ग्रुप के द्वारा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। भारत के ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।